हम हैं सुहास नगर मणिनाथ एरिया और शिव मंदिर के पास, और सोमवार को कैसी भीड़ रहती है शिव मंदिर के अंदर ये आप इसको पता होगा, और शिव मंदिर में जानते हैं लोगों से ही कि शिव मंदिर किस तरीके से पूजन किया जाता है। लेकिन आज लॉकडाउन और 18 दिन हॉट स्पॉट खुलने के बाद भी लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के नज़ारे के बाद भी आप देख रहे हैं मंदिर के कपाट बंद हैं। आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है या नहीं की जा रही है। जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से पूजा हुई है या नहीं हुई है, स्थानीय लोगों से जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या पूजा अर्चना की जा रही है यहाँ पे? बंद चल रहा है, पूरी कबाड़ बंद चल रहा है। अच्छा, तो जब से लॉकडाउन हुआ है, हॉट स्पॉट हुआ है, तब से कोई भी किसी भी तरीके का पूजा अर्चना नहीं की जा रही है? नहीं हो रही है। सोमवार के दिन भी लोग यहाँ पे लोग काफी इकट्ठा तादाद में होते थे पूजा करने के लिए? काफी होते थे पहले से, पहले अब नहीं हो रहे। अब नहीं हो रहे। लॉकडाउन में क्या सावधानियाँ बरत रहे हैं? आपने अंगोछा अपने कंधे पे डाल रखा है और मुँह पे लगाने की जगह क्या बरत रहे हैं? परेशान चल रहे हैं भाई। अच्छा, तो परेशान चल रहे हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, परेशानी में भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है, ऐसा हमारे मोदी जी का कहना है, तो उसका पालन कर रहे हैं आप। यहाँ के महंत जी से हमें मुलाकात करनी है। महंत जी आओ, आप से मिलते हैं। क्या नाम है महंत जी आपका? श्री विशाल गिरी। विशाल गिरी जी से जानते हैं कि आज जब से हॉट स्पॉट था, लॉकडाउन चल रहा है, क्या सावधानियाँ बरत रहे हैं और कैसा मंदिर? तब से साहब 22 मार्च से जब से प्रधानमंत्री जी ने अपने लॉकडाउन किया है, तब से उसका पालन हो रहा है। और सर, किसी प्रकार की जो भीड़ लगी होती थी उस पर भी पूरी रुकावट है। जब तक हमारे प्रधानमंत्री का कोई आदेश आगे तक का नहीं होगा, तब तक हम उस पर कार्रवाई बढ़ते रहेंगे, और भीड़ उड़ जो भी है यहाँ पर वो इकट्ठी होने नहीं दे रहे हैं। सब लोगों को सावधानी बरतने का आदेश दे रहे हैं कि सावधानी बरतिए, एक दूसरे की दूरी बनाए रखिए, इसी में हम लोगों का सबका भला है, और इसके बारे में कुछ नहीं कहना सकते। बस जो भी है बाबा की कृपा से सब कुछ सही हो रहा है यहाँ। आप आसपास लोगों को भी ये संदेश दे रहे हैं कि यहाँ पे सावधानी बरतें, और सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए, आपने क्या क्या उपदेश और संदेश दिया है लोगों को आसपास के? बस यहाँ के लोग भी बहुत समझदार हैं, जिस प्रकार महंदी जी को कार्य करते हुए देख रहे हैं, वैसे लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अपनी दूरियाँ बना के बैठ रहे हैं, और प्रधानमंत्री की जब भी जो भी कोई योजना आ रही है उस पर भी गौर दे रहे हैं, पालन कर रहे हैं, और प्रशासन भी अपनी पूरी शक्ति दिखा रहे हैं और अपना काम में कार्यक्रम में डटे हुए हैं। और पब्लिक की रही बात, पब्लिक एक दूसरे, आप भी आपने देखा है यहाँ पर कोई ज़्यादा भीड़ नहीं, बिल्कुल शांति माहौल है, ऐसी ही सावधानी बरतने का हमारा अपना काम है। जाना आपने विशाल गिरी जो महंत मणिनाथ मंदिर के हैं, और 18 दिन का हॉटस्पॉट और लॉकडाउन लगातार चल रहा है, और प्रधानमंत्री के जो भी आदेश आ रहे हैं उसका पालन कर रहे हैं, और लोगों को भी बता रहे हैं कि उसका पालन किया जाए। आइए स्थानीय लोगों से पूछते हैं मंदिर में पूजा कब से बंद है और कब से कैसे। क्या नाम है आपका? गजेंद्र पाल। कब से आपने मंदिर में पूजा नहीं की लॉकडाउन से? लॉकडाउन आप भी आदेशों का पालन कर रहे हैं लॉकडाउन के? बिल्कुल। हॉट स्पॉट 18 दिन बाद खुला है, क्या सुविधा दी गई है यहाँ सुभाष नगर क्षेत्र को? सारे सभी चेकिंग कर रहे हैं सर, जैसे सब सब्जी वाले आ रहे हैं सारे, सब दूर दूर से ले रहे हैं, बंद है सब्जियाँ, बस खाली जो है जो सब्जी मिल रही है, जो राशन वोशन है उसके लिए बस सुविधा है, और मेडिकल की सुविधा मिल रही है, की सुविधा है, जाना आपने स्थानीय से भी कि सब्जी की सुविधा, मेडिकल की सुविधा, इसी तरीके की सुविधा मिल रही है। आइए यहाँ पे महंत जी की माता जी हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि कैसा पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का, और प्रधानमंत्री मोदी जी का, और लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं। माता जी, घर में ही जब से आप हैं, जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, हम तो घर से निकले ही नहीं हैं, तो बच्चों को भी आप लेके बाहर हैं? कहीं नहीं, यही सब बुखार आ रहा भी देखने आ गया लड़के के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो लॉकडाउन का आप पालन कर रहे हैं, घर से नहीं निकल रहे हैं? बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं। जानी आपने अभी मणिनाथ की रिपोर्ट, सुभाष नगर 18 दिन से हॉट स्पॉट बना हुआ था, आज लागू हुआ है लॉकडाउन है, और ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे मेडिकल, दूध, सब्जी यहाँ मुहैया कराई जा रही है। मैं विशाल श्रीवास्तव, कैमरामैन अमरजीत के साथ।